स्वागत है एक बार फिर आपका अपने ही चैनल हटके प्रेडिक्टर में। तो आज हम बात करने वाले हैं वॉरियर्स 11 वर्सेस चैंपियंस 11 का, जो कार्बन आंध्रा T20 का सेकेंड मैच होने वाला है। इस वीडियो में आपको ये सब देखने को मिलेगा, T20 क्रिकेट का स्टैट्स, FC क्रिकेट मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट, लिस्ट ए क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, डेमो ड्रीम 11 टीम, कैप्टन वाइस कैप्टन, प्लेयर सजेशन और लास्ट मैच में कौन खेले थे, मतलब किस किसने क्या परफॉर्मेंस किया है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलो बात कर लेते हैं अभी वॉरियर्स 11 की। वॉरियर्स 11 में क्या हुआ, ओपन करते हुए कौन दिख रहा है, मुरमुल्ला श्रीराम और मान्यता प्रणीत, ये दो ही सारे मैचेस में ओपन कर रहे हैं। लास्ट दो मैचेस से धरणी कुमार यहाँ पे खेल रहा है। लास्ट मैच में 3 रन + 1 विकेट लिया था, उससे पहले इसने 48 रन किया मगर विकेट नहीं ले पाया था धरणी कुमार। इस पर एक नज़र रखना, अच्छा प्लेयर है आपके लिए, ग्रैंड लीग हो या स्मॉल लीग हो, एक बहुत अच्छी डिफरेंशियल पिक होने वाली है धरणी कुमार की। प्रशांत कुमार ऑलराउंडर सेक्शन में दिया जा रहा है लेकिन बॉलिंग बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन बैटिंग से अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। 48 की एक अच्छी पारी है, 60 की एक है और 33 की भी एक अच्छी पारी खेली हुई है। तेजस्वी को लास्ट मैच में प्रमोट किया गया, उससे पहले नीचे बैटिंग कर रहा था लेकिन लास्ट मैच में तेजस्वी ऊपर बैटिंग करते हुए हमें दिखाया है। तो 3 विकेट पहले मैच में, दूसरे मैच में 1, तीसरे मैच में 0, चौथे मैच में 0, फिर 5वें मैच में मतलब लास्ट मैच में 4 विकेट लेके आ रहा है तेजस्वी। मनोहर का उतना कुछ परफॉर्मेंस ठीक ठाक है नहीं, 20, 23 और 3। सरण तेजा का भी उतना कुछ खास है नहीं और बहुत नीचे बैटिंग कर रहा है। MD रफ़ी की बात करें तो हर मैच में 1-2 विकेट लेते हुए ज़रूर दिख रहा है, लास्ट मैच में 1, उससे पहले 2, उससे पहले 1, उससे पहले 0, फिर 1 विकेट। अब लास्ट मैच में करण खन्ना को खिलाया गया था, वो जिसने 12 रन किए और 1 विकेट भी लिया हुआ था। विनोद नायडू की बात करें तो लास्ट मैच में 2 विकेट, उससे पहले 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0, मतलब अगर बात करें तो डिसेंट परफॉर्मेंस है नायडू का, लेकिन नायडू अच्छा बॉलर भी है। MD कामिल को लास्ट मैच में ड्रॉप कर दिया गया, MD कामिल ने नहीं खेला था। अब अजय की बात करें तो अजय का भी उतना कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं, लास्ट 2 मैचेस में 1-1 विकेट, उससे पहले 0, फिर उससे पहले 1, फिर उससे पहले 0 विकेट। मतलब एक चीज़ बताऊँ ना गाइस, तो इस टीम का वॉरियर्स 11 का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है बॉलिंग डिपार्टमेंट से। बैटिंग से थोड़े बहुत लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लेकिन बॉलिंग से सब मिलके कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, कोई एक बॉलर इनका चल रहा है। जैसे लास्ट मैच में देख सकते हो यहाँ पे 4 विकेट तेजस्वी ने लिया, मतलब सारा खाता तेजस्वी और नायडू ने ले लिया, उससे पहले किसी और ने लिया, वैसे ही इनका चल रहा है। तो मान्यला प्रणीत का भी कन्फर्म नहीं है कि बॉलिंग करेगा या नहीं करेगा, लास्ट 2 मैचेस से बहुत कम बॉलिंग कर रहा है, मतलब लास्ट मैच में कम बॉलिंग की थी, उससे पहले के मैच में तो बिल्कुल बॉलिंग ही नहीं की थी मान्यला प्रणीत ने। ठीक है, तो अभी चलो यहाँ पे 1-2 प्लेयर्स भी हैं, हर्षवर्धन और कोल्ला किरण, जो लास्ट 2 मैचेस से नहीं खेल रहे हैं, उनसे पहले का भी यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया हुआ है, तो आप एक नज़र उस पर भी डाल सकते हो। अब बॉलर्स की अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे, तो देखो मोहम्मद रफ़ी जो है 4 ओवर 4 ओवर 4 ओवर 3 ओवर 3 ओवर, तो ये एक ऐसा कन्फर्म बॉलर है जो आपको 3 से 4 ओवर करते हुए दिख जाएगा, 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, और मतलब कंसिस्टेंट विकेट भी ले रहा है। अजय की बात करें तो अजय का कंफर्म नहीं है, देखो लास्ट मैच में 2 ओवर, उससे पहले 4, उससे पहले 4, फिर 2, फिर 3, मतलब ये 2 से 4 ओवर के बीच में आपको बॉलिंग करके देगा। अब MD कामिल की बात करें तो अगर खेलता है तो ये भी उतनी कुछ अच्छी पिक नहीं रहेगी, लास्ट 3 मैचेस में इसने 2-2 ओवर ही किए हैं और लास्ट मैच में इसको ड्रॉप भी किया गया था। तेजस्वी की बात करें तो ये आपको 4 ओवर डालते हुए दिख सकता है, किसके साथ, रफ़ी के साथ, तो ये 2 इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ से। यहाँ देखो 3.4 ओवर 4 ओवर 4 ओवर 4 ओवर, सिर्फ यहाँ पे इसने 2 ओवर डाला था। अब यहाँ पे अगर बात करें विनोद नायडू की, नायडू भी 3-4 ओवर्स डाल सकता है, एक नायडू हो गया, एक तेजस्वी हो गया और एक मोहम्मद रफ़ी हो गया, ये 3 बॉलर्स आपको 3 से 4 ओवर तक करते हुए दिखेंगे, बाकी आपको पार्ट टाइम बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। जैसे मान्यला प्रणीत लास्ट मैच में सिर्फ 1 ओवर, धरणी कुमार 2 मैचेस में 2-2 ओवर करते हुए आ रहा है, तो ये आपको 2 ओवर करते हुए दिखेगा। हर्षवर्धन खेलेगा नहीं, एक मैच में इसने भी बॉलिंग की थी, एक ही बॉल डाला था, 4 खा लिया, मैच खत्म, और उसके बाद इसने बॉलिंग नहीं की थी हर्षवर्धन ने। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके प्लेयर स्टैट्स की। तो देखो एक तो है मेरे लिए धरणी कुमार, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है इस मैच में धरणी कुमार। मनोहर का भी नीचे स्टैट्स देख लेंगे और मोहम्मद रफ़ी का तो कोई स्टैट्स मेरे हिसाब से नहीं मिला होगा, तो नहीं रहेगा। विनोद नायडू का मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो पहले धरणी कुमार की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे है धरणी कुमार, एवरेज 52 का रखता है, एक मैच में अच्छा परफॉर्म किया था, एक मैच में फ्लॉप गया है, तो ये प्लेयर आपके लिए बहुत अच्छी डिफरेंशियल पिक हो सकती है। क्लब में भी 15 इनिंग्स में बॉलिंग करके 15 विकेट निकाला हुआ है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है। अब नेक्स्ट आएगा प्रशांत कुमार, तो सिर्फ बैटिंग से आपको कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेगा, बॉलिंग बिल्कुल नहीं करेगा, पहले भी मैंने कहा था कि बॉलिंग बहुत कम करता है, अब यहाँ पे तो बिल्कुल बॉलिंग करते हुए दिखाई नहीं है अभी तक। कामिल और रफ़ी का स्टैट्स नहीं मिला है, तो वही मैं ऊपर आपको बता रहा था,
इनका स्टैट्स जो रिसेंट मैचेस है उसी हिसाब से हमें देखकर चलना पड़ेगा। अब ये मनोहर है जो कि बॉलिंग नहीं कर रहा है, मतलब मैचेस में खेल तो रहा है पीपी मनोहर, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, देखो पीपी मनोहर 3 मैचेस से खेल तो रहा है लेकिन बॉलिंग बिल्कुल नहीं कर रहा है। दिया गया है कहाँ पे भाई, बॉलिंग सेक्शन में, तो इस पे थोड़ा ध्यान कमी रखेंगे क्योंकि बॉलिंग नहीं कर रहा है, सिर्फ बैटिंग से ये भी पॉइंट देगा हमें। और यहाँ पे तेजस्वी की बात करें तो लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म करते हुए आया, मैंने शुरुआत में कहा था ये मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेगा लेकिन स्टार्टिंग में इसको नीचे भेजा गया, लेकिन लास्ट मैच में इसको प्रमोट किया गया पी तेजस्वी को। दुर्गा कुमार खेला नहीं है, अगर खेलता है तो डिसेंट पिक रहेगी, उज्ज्वल भी डिसेंट पिक रहेगी अगर खेलता है तो। नायडू का मैं क्यों बता रहा था, देखो 36 इनिंग्स में ऑलरेडी 44 विकेट्स लिया हुआ है लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है इस आंध्रा T20 में, तो कभी भी आपको अच्छा करते हुए दिख सकता है। अजय कुमार की बात करें तो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करता है, आपको पता ही होगा इस कलर का मैं देता हूँ स्टेट लेवल या नेशनल लेवल, क्लब लेवल प्लेयर्स का इस कलर में आपको मिलता है, मतलब पिंक कलर में, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है उस हिसाब से, रेपुटेशन के हिसाब से। और लिस्ट ये में इसका अच्छा रिकॉर्ड है, 5 इनिंग्स में 9 विकेट और क्लब में 3 इनिंग्स में 11 विकेट, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो मैचेस ये खेल रहा है 3 ओवर 0 विकेट, 2 ओवर 1 विकेट, 4 ओवर 0, 4 ओवर 1, 2 ओवर 1, लेकिन उतना कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं। ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना, स्मॉल लीग में रिस्क मत लेना क्योंकि इसको अगर ओवर नहीं मिला तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो अभी चलो बात कर लेते हैं चैंपियंस 11 की टीम की। चैंपियंस 11 में लास्ट मैच में मैंने आपको कहा था ऊपर अग्रिनाथ अगर चल गया, वंशी अगर फेल हुआ तो आपको अच्छी रैंकिंग आ सकती है, वैसे ही हुआ भी था। यहाँ पे गिरिनाथ ने 33 किया, वंशी ने 5 किया, उसके बाद रिकी भुई 62 प्लस 0 विकेट, अश्विन हेब्बार 36 नॉट आउट प्लस 2 विकेट, ध्रुवा कुमार फिर से 9 नॉट आउट, मतलब इसको बैटिंग करने का मौका बहुत लास्ट में मिला था तो ये उतना कुछ कर नहीं पाया। मुनीश वर्मा ने 1 विकेट लिया, जहीर अब्बास ने 5 किया, स्नेहा किशोर 0 विकेट लास्ट मैच में, वर्षित रेड्डी 2 विकेट, शिवा कुमार 1 विकेट और विनय कुमार ने 0 विकेट लिया था। विनय कुमार को उससे पहले ड्रॉप किया गया था लेकिन यहाँ पे वापस लेकर आए, किसको ड्रॉप करके, राकेश अगस्टाइन को ड्रॉप करके। अगस्टाइन सिर्फ बैटिंग कर रहा है तो उतना कुछ खास रहा भी नहीं था, अगर खेलते हैं ये दोनों तो आप देख सकते हो। अब बॉलिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो विनय कुमार बहुत अच्छा बॉलर है लेकिन आपको 4 ओवर की गारंटी नहीं दे रहा है, 2 ओवर 3 ओवर या फिर 4 ओवर, मतलब 2 से 4 ओवर के बीच में 3 ओवर डालेगा या फिर 4 ओवर डालेगा। देखो 3 ओवर 0 विकेट, 4 ओवर 0 विकेट, 1 ओवर 15 रन 0 विकेट, माफ़ करना यहाँ पे सिंबल डालना भूल गया, हाँ 1 ओवर 15 रन 0 विकेट, फिर यहाँ पे 3 ओवर 25 रन 1 विकेट, अगर खेलेगा तो 3 ओवर मान के चल सकते हो कि 2 से 3 ओवर करते हुए दिख जाएगा। वर्षित रेड्डी आपको कन्फर्म दे रहा है 4 ओवर 2 विकेट, 3.4 ओवर 1 विकेट, 4 ओवर 0 विकेट, 4 ओवर 1 विकेट, 3 ओवर 1 विकेट। अब यहाँ पे आया अश्विन हेब्बार भी लास्ट मतलब 4 मैचों से पूरे 4 ओवर डालते हुए दिख रहा है, सिर्फ फर्स्ट मैच में इसने 2 ओवर डाला था और लास्ट मैच में 2 विकेट, 1 में 4 विकेट भी लिया हुआ है अश्विन हेब्बार। मुनीश वर्मा भी आपको गारंटी दे रहा है 3 से 4 ओवर की, 4 4 4 4, लेकिन विकेट्स इसको 1 या 2 ही मिल रहा, मतलब 2 अभी तक मिला ही नहीं है, 1 विकेट की गारंटी भी दे रहा है मुनीश वर्मा। स्नेहा किशोर जो है ना IPL को रिप्रेजेंट कर चुका है, ये वाला प्लेयर डेक्कन चार्जर्स के लिए खेल चुका है लेकिन यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट उतना डाल नहीं पाया और ओवर्स भी इसको कम मिले थे लास्ट मैच में, और उससे मतलब थर्ड लास्ट मैच में 3 ओवर 2 ओवर डाला था लेकिन विकेट्स उतना कुछ ले नहीं पा रहा, लेकिन अपने दिन पे ये बंदा आपको बड़ा करते हुए दिख सकता है, बैटिंग में भी अगर अच्छा खासा पॉइंट भी दे सकता है, ठीक से बैटिंग करने का मौका मिल जाए तो। इसके ऊपर ध्यान रखना, ग्रैंड लीग में इसको वाइस कैप्टन भी करके चल सकते हो स्नेहा किशोर को, और शिवा कुमार को भी। शिवा कुमार ने लास्ट सेकंड मैच में 2 विकेट लिया, लास्ट मैच में 2 ही ओवर किया था 1 विकेट लिया। रिकी भुई 1-1 ही ओवर 2 मैचेस में करते हुए दिखा है, तो उतना ध्यान नहीं देंगे बॉलिंग पे रिकी भुई की, सिर्फ बैटिंग के हिसाब से लेकर चलेंगे। अब यहाँ पे बात करें तो ऊपर गिरिनाथ ये भी नेशनल लेवल प्लेयर, वंशी कृष्णा भी नेशनल लेवल प्लेयर्स हैं, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ओपन कर रहे हैं अपनी टीम से, तो दोनों में से कोई एक बड़ा करते हुए दिख सकता है या फिर अपने दिन पे दोनों भी बड़ा करते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद है रिकी भुई जो कि इंडिया अंडर 19, इंडिया ब्लू, इंडिया अंडर मतलब इंडिया ग्रीन को रिप्रेजेंट कर चुका है और प्लस डेक्कन चार्जर्स को भी IPL में रिप्रेजेंट कर चुका है, तो ये भी आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब पूरा इंपॉर्टेंट है। राकेश अगस्टाइन खेला नहीं था, अगर खेलेगा भी तो उतनी कुछ खास पिक है नहीं। जहीर अब्बास की भी मुझे उतनी कुछ खास पिक लगी नहीं। ध्रुवा कुमार रेड्डी मतलब कुछ किया नहीं है अभी तक इसने, लेकिन एवरेज अच्छा है, कभी भी अच्छा करते हुए दिख सकता है, बैटिंग नीचे कर रहा है तो उसी में इसको दिक्कत हो रही है स्कोर करने में। हेब्बार आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मुनीश वर्मा बॉलिंग से अगर चाहो तो ले सकते हो, सुब्रमण्यम नहीं खेल रहा है, ड्रॉप कर दिया गया, अगर खेलता है तो डिसेंट पिक है। कौशिक को अभी तक चांस नहीं मिला है, कौशिक अगर इस मैच में खेलता है
तो इसको एक ग्रैंड लीग में डिफरेंशियल पिक के तौर पे आप लेकर चल सकते हो। अब बॉलिंग की अगर बात करें तो विनय कुमार, इसका तो स्टैट्स मैंने यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस विनय कुमार का थोड़ा बहुत अच्छा है, एक नज़र और डाल लेते हैं अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो। देखो यही है अच्चाकल्लू विनय कुमार, चार ओवर की मतलब 3 से 4 ओवर की आपको गारंटी दे रहा है, प्लस एक विकेट इसने अभी तक लिया हुआ है, उतना कुछ मतलब डिसेंट परफॉर्मेंस है, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है विनय कुमार का। उसके बाद है वर्षित रेड्डी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, वर्षित रेड्डी बैटिंग से भी आपको पॉइंट दे सकता है, प्लस बॉलिंग से भी आपको अच्छा करते हुए दिख सकता है वर्षित रेड्डी। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं बी वर्षित रेड्डी का, लास्ट मैच में 2 विकेट, उससे पहले ये कुछ 0-1-1 लेके आ रहा है वर्षित रेड्डी। उसके बाद आएगा आपको शिवा कुमार, जो मैं बता रहा था नेशनल लेवल प्लेयर है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और स्नेहा किशोर जो कि IPL रिप्रेजेंट कर चुका है डेक्कन चार्जर्स के लिए, मतलब बहुत पहले, पुरानी बात है, फिर भी रेपुटेशन उससे बनता ही है, क्योंकि वहाँ पे परफॉर्म नहीं किया था, मतलब वहाँ पे सेलेक्ट हुआ था, तो एक अच्छा प्लेयर ही होगा। तो चलो अभी बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम की। तो अभी के लिए जो मैंने डेमो टीम तैयार किया है वो मेरे हिसाब से ये किया है, लेकिन इसमें एक दो चेंजेस ऊपर नीचे होंगे। मैं मान्याला को ड्रॉप करके यहाँ पे कोई बॉलर ले सकता हूँ इनका, लेकिन वो भी देखना पड़ेगा टॉस के बाद, अगर कुछ रहेगा तो अपडेट आपको मिल जाएगा, लेकिन चांसेस कम है अपडेट मिलने का। मैं इस मैच में थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं शायद नहीं ना भी खेलूँ इस मैच को, थोड़ा बिजी भी हूँ तो दिक्कत हो सकती है। फिलहाल के लिए इसको कंसिडर करो, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आपके लिए हैं, गिरिनाथ वंशी, रिकी भुई, धरणी कुमार, मन्याला, श्रीराम, अश्विन हेब्बार, एम वर्मा, स्नेहा किशोर, बीवी रेड्डी और पी तेजस्वी। देखो वाइस कैप्टन के लिए ना धरणी कुमार अच्छा ऑप्शन है, तेजस्वी अच्छा ऑप्शन है, रिकी भुई अच्छा ऑप्शन है, और ये तीन प्लेयर्स में से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो। यम वर्मा नहीं चाहिए, ड्रॉप करो, इनका कोई बॉलर पिक करो आप, ये टोटल आप पे डिपेंड करता है। स्टैट्स वगैरह मैंने आपको दे दिया, रिसेंट परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दिया, तो उस हिसाब से आप अपना प्लेयर पिक कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे अगर बात करें ना, मुनीश वर्मा नहीं चाहिए, सीधा सीधा निकाल दो, रफ़ी को ले सकते हो, ऐसे आप जा सकते हो, ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। चलो मैं इसी के साथ अभी के लिए रहता हूँ, रफ़ी के साथ। अगर आपको रफ़ी नहीं चाहिए, यम वर्मा चाहिए तो ले सकते हो, यहाँ से आपको धरणी कुमार नहीं चाहिए तो निकालो, ऑलराउंडर ले लो, मान्याला नहीं चाहिए तो निकालो, ऑलराउंडर ले लो, गिरिनाथ नहीं चाहिए निकालो, ऑलराउंडर ले लो, आप अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस कर लो, क्योंकि इस मैच का अपडेट मेरे हिसाब से, मुझे 99% श्योर हूँ भाई कुछ अपडेट नहीं आने वाला है, अगर हो सके तो आपको मैं ज़रूर मदद करूँगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।